Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Student, first of all, I just want to let know that my voice is clear to you people. And is there any distortion or any break in the voice or not? So please, can Abu Bakr Khalid can raise his hand and let me know if it is clear. Okay, anybody? Moin, Hassan Gul. Okay. No, I just want to know whether my voice is clear. Just unmute someone and then ye na na ho ki hum pura lecture kar jaye aur pata hi nahi chale. Koi bachcha dekh le. अनम्यूट कर देंगे. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. स्टूडेंट्स, कोई बंदा अनम्यूट नहीं हुआ, अभी पीछे आवाज आ रही है. Okay, no, it's okay. अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस का एक बेसिक ओवरव्यू लिया था. आज हम उसे आगे चीज़ों को लेके चलेंगे. देखें, ये चैप्टर नंबर वन है, 1 to 5. जैसे मैंने कल भी बताया था, इसके अंदर एक बेसिक हम अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे. क्योंकि इन पांचों चैप्टर्स के अंदर ट्रांजैक्शन से लेके बिजनेस से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का जो सफ़र है उसको एक्सप्लेन किया गया है और वो कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है. मैं कॉमन सी मिसाल दिया करता हूँ कि अगर मुझे आपको क्रिकेट सिखानी हो तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भाई ओवर क्या होता है, 6 रन्स क्या हैं, 4 रन्स क्या हैं, वाइट बॉल क्या है, नो बॉल क्या है. ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताने पड़ेंगे और देन हम क्रिकेट सीख सकेंगे. सिर्फ किसी बंदे के अंदर पावर हो, उसे बैट घुमाना आता हो, उसे बॉल फेंकनी आती हो, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता ता वक्त के उसे इन सब कॉन्सेप्ट्स का ना पता हो. लिहाजा सबसे पहले अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट करना है. मैंने यहाँ पर एक स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही होगी, क्या सब्जेक्ट विट गिव्स अस डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिजनेस. इस स्टेटमेंट के अंदर ये बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है. सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, इट्स नॉट एन अ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. ये देखे ना, हर सब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट मैटर होता है. लाइक मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर हम कैलकुलेशंस जो है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ कैलकुलेशंस. साइंसेज हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर जो है दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंसेज. लेकिन इसी तरह अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि ये एक ऐसा डिटेल्ड प्रोसेस होगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के हवाले से है उसकी हमें डिटेल अवेलेबल होगी. यस, ये जो उमर फारूक हैं ये हमारे डाटा के मुताबिक अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है
तो ये ज़रा आइडेंटिफिकेशन करवा दें कि आपका रोल नंबर क्या है उमर फारूक।664। ही इज़ सिक्स 654 फिफ्टी 654 सिक्स फाइव जी फोर सर। 654। आप कौन कौन सी क्लासेस ले रहे हैं बेटा? BMBS इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग। BMBS इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग। ठीक है, थैंक यू। अबू बकर खालिद सुन रहे हैं जी मुझे? सलाम अलैकुम सर। आपकी ना टू टाइम एंट्री आ रही है। एक्चुअली हमें इधर प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसको मैनेज करने में। आपने किसी को अपना आईडी दिया हुआ है? किसी नहीं को सर, मैं दो जगह यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप और फोन पर, दोनों दो पर। दफा कैसे यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, लैपटॉप और फोन पर? सर मैं तो कर रहा हूँ, हो रहा मेरा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एट ए टाइम आप दोनों जगह से, आपको यूज करने का कोई बेनिफिट तो नहीं होना चाहिए एक सर जगह से। वो मसला क्या कि लैपटॉप के है ना जो स्पीकर है वो खराब। अब आपका सिर्फ एक ही चलेगा क्योंकि हमारे पास टू टाइम यूजर जो है वो अलाउड नहीं है हमारे पैकेज के अंदर ना। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उनके लैपटॉप का पता नहीं स्पीकर खराब है, तो वो मोबाइल का स्पीकर यूज करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन यूज करते हैं। हाँ ओके, तो उमर फारूक रेज योर हैंड। उमर फारूक आपका फादर नेम क्या है? साबिर हुसैन। साबिर हुसैन। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक है या उमर फारूक है? मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक तो आप उमर फारूक पे कैसे बात कर रहे हैं मेरे से? सर, वो छोटे भाई के नाम से बनाई है आईडी। छोटे भाई के नाम से आईडी बनाई हुई है? यार ये क्या बात आप कर रहे हैं? अपने आईडी में जाके देखे ना, ये सारी क्लास अब डिस्टर्ब हो रही है। इसको रीनेम करें, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक करो। यार इस तरह के काम ना करें, उसकी वजह ये है ना कि सारी क्लास अब डिस्टर्ब हो रही है। अबू बकर सिद्दीक। हाँ, अपना लॉगिन भी किसी को ना दें, वो आपके साथ हमारे इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। उधर बीएम वाली क्लास में चार पांच लड़के अभी आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हमने ब्लॉक किया है, तो प्लीज़ ये काम ना करें। अभी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त 95 हैं। तो अबू बकर खालिद रेज हैंड कर रहा है, यार इसका देखें। हाँ हाँ जी, अबू बकर खालिद। अबू बकर आप सुन सकते हैं मुझे? नहीं, उसको आवाज नहीं जा रही। ओके, अच्छा जी, ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं। मैंने बताया था कि ये चूंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग फर्स्ट टाइम इसमें एंटर हो रहे हैं, तो हमारा भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सम टाइम बिफोर एक दो लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्लास का इंटरेक्टिव सा माहौल है, इसके मुताबिक चीज़ें देखनी है। तो ये जी करें जी, जहीर साबिर, जहीर शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, जहीर बोले। हाँ सर, मैंने आपसे पूछना था, तो मार्च अटेम्प्ट गुजरी है अकाउंटिंग की क्लासेस की, सर जी, इसका कोर्स मतलब चेंज हो गया है इस सब्जेक्ट का, या फिर हमें बुक से पुरानी चल जाएंगे सर? ये आप ना मैम शाजिया को टेलीफोन पे ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आपकी किताब सेम ही है जो पिछले वाले थी। अगले जो अटेम्प्ट आएगी, ये जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए कोई चेंज नहीं है, उसके बाद वाली अटेम्प्ट के लिए चेंजेस हैं। ठीक है, प्लीज़ इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो इस इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट में ना पूछा करें, वो आप टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। चलें जी।
अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिजनेस जो है वो हमें देता है। अब जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हमें रिक्वायर है, लाइक व्हाट इज़ मेंट बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय बिजनेस। ये दो बहुत ही बेसिक से टर्म्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आगे जाऊँगा तो बिज़नेस से ही हम स्टार्ट करेंगे कि बिज़नेस कहते किसे हैं। अल्टीमेटली बिज़नेस जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होगा, ठीक है। बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मकसद जो होगा वो क्या होगा कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट की जो अर्निंग है वो किसी भी बिज़नेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, और बिज़नेस से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें, तमाम। अभी ये कोरोना का एक्सेस मतलब इशू चल रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कशन की है, अदारे ये कहते हैं। तो स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर बेसिकली वो लोग हैं जो किसी भी रेफरेंस से किसी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम दरअसल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, अ पर्सन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ इंटरेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग जिनका किसी ना किसी हवाले से इंटरेस्ट मौजूद होता है उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ये इंटरेस्ट कहाँ होगा? ऑब्वियसली ये बिजनेस के अंदर होगा। अब बिजनेस क्या है इसके ऊपर इस स्लाइड के बाद बात करूँगा, लेकिन स्टेक होल्डर्स में दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। सम आर कॉल्ड इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड अदर आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स के अंदर बिजनेस के वो लोग शामिल हैं जिन्होंने जो कि बिजनेस के साथ डायरेक्टली किसी ना किसी तरह से लिंक्ड हैं। लाइक सबसे बड़ा लिंक किसका है? डायरेक्ट लिंक वो ओनर्स ऑफ द बिजनेस का है। उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर और शेयर होल्डर, मतलब टेक्निकली ये दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं लेकिन इनके मीनिंग सेम हैं। शेयर होल्डर जब हम किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर आते हैं तो उनके जो ओनर्स होते हैं दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर, और किसी इंडिविजुअल बिजनेस के जो शेयर होल्डर हैं या किसी पार्टनरशिप कंसर्न के शेयर होल्डर हैं उन्हें हम पार्टनर्स या ओनर्स कहते हैं। तो बेसिकली शेयर होल्डर आर सम हाउ ओनर्स ऑफ द बिजनेस आल्सो। देन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी इंटरनल स्टेक होल्डर हैं जो लोग आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। लाइक किसी भी स्पिनिंग मिल के अंदर जनरल मैनेजर जो है वो आपके मैनेजमेंट के पर्सन हैं, अकाउंट्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सारे के सारे लोग जो हैं दे आर मैनेजमेंट पीपल। और उसके बाद एम्प्लॉइज़ हैं। ये जो मैनेजर हैं ये भी सम टाइम मतलब ये भी ऑलमोस्ट एम्प्लॉइज़ ही होते हैं, लेकिन एम्प्लॉई बेसिकली ये लास्ट लेवल ऑफ वर्कर्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। जब एक फैक्ट्री में हम की बात करें तो वो लोग जो डायरेक्ट मशीनों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जो सेल डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के अलावा वो एम्प्लॉइज़ कहलाते हैं। तो ऑल दीज पीपल आर कॉल्ड इंटरनल स्टेक होल्डर। इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एक्सटर्नली बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो गवर्नमेंट है। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये गवर्नमेंट किस तरह से स्टेक होल्डर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस लेने हैं, ठीक है, लिहाजा उनसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो वो मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है बिजनेसेस के अंदर। देन लोन प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली बिजनेस की वजह से अफेक्ट होते हैं। देन वी हैव क्रेडिटर्स, वी हैव
तो क्रेडिटर्स की बजाय चूँकि अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ऐसा वर्ड उस वक्त तक अकाउंटिंग का यूज़ ना करूं जब तक कि मैं उसे एक्सप्लेन ना कर चुका हूं। तो ये क्रेडिटर्स जो है ये प्योरली एक अकाउंटिंग वर्ड है, इसकी जगह अगर अभी हम सप्लायर की बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो लोग जिनसे हम बाइंग करते हैं, ठीक है, उन्हें हम सप्लायर बोलते हैं। अगर हम उन्हें उधार उनसे परचेज करते हैं तब वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। द पीपल फ्रॉम होम वी आर बाइंग ऑन क्रेडिट दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो वो हमारे बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। फिर कस्टमर जो हैं वो लोग जिनको जिनको हम चीज़ बेचते हैं, लाइक इफ वी आर यूज़र ऑफ समबडी इज़ यूज़र ऑफ टेलीनोर, समबडी इज़ यूज़र ऑफ मोबलिंग, तो देन हमसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन हो सकता है जो कि अल्टीमेटली इसको बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये सारे के सारे लोग जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सब के सब स्टेक होल्डर कहलाते हैं। हम बिजनेस को भी डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये जो अकाउंटिंग है इसने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में प्रोवाइड करनी है वो किसको करनी है, वो स्टेक होल्डर्स को करनी है। तो ये स्टेक होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इंफॉर्मेशन इनकी रिक्वायरमेंट होती है, लिहाजा बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इन तमाम स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस फॉर्म में रखे कि ये तमाम के तमाम उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकें। ये जो स्टेक होल्डर हैं आगे जाके हम बात करेंगे, इन्हें हम यूजर्स ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी इन्हें? यूजर्स ग्रुप, ठीक है। ये जो यूज़र हैं, यूज़र इन्हें क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जो कि बिजनेस से बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड ने प्रोड्यूस करनी है और इन लोगों ने उसे यूज़ करना है। अब वो इंफॉर्मेशन किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट किस्म के जो यूज़र हैं या स्टेक होल्डर जिन्हें हम कह रहे हैं, वो उनके इंफॉर्मेशन नीड जो हैं वो डिफरेंट हो सकती है। लाइक जो ओनर ऑफ द बिजनेस हैं उन्हें इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है, उन्होंने कितना लॉस किया है, ठीक है। शेयर होल्डर को भी इसी तरह इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ये देखना चाह रहे हैं कि उन्हें कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है, कंपनी कितने प्रॉफिट में और ये जो डिविडेंड है ये किस शक्ल में उन्हें मिल रहा है। जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने ये देखना है कि जी हम हमारे जो डिसीजंस थे क्या वो सही थे, या उनके अंदर किसी तब्दीली की ज़रूरत है, उनकी क्या आउटकम निकली है। एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बहुत बड़े यूज़र होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो किस लिए यूज़र हैं, और कुछ भी नहीं है तो उन्होंने साल के आखिर के ऊपर जाके अपनी सैलरीज निगोशिएट करनी है। जब हम एक लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ जो यूनियन होती हैं, ट्रेड यूनियन जो होती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बाकायदा मैनेजमेंट के साथ बैठ के निगोशिएट करते हैं। वो कहते हैं आए जी हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें, हमने बिजनेस के अंदर इतना इस साल प्रॉफिट अर्न किया है तो हमें आप क्या इसका इंसेंटिव दे रहे हैं, हमें कितना बोनस दे रहे हैं, हमारी सैलरीज के अंदर कितना इंक्रीज कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कंसल्टेंट एम्प्लॉइज़ की ट्रेड यूनियन ने हायर किए हुए होते हैं जो कि एम्प्लॉइज़ के बिहाफ पे मैनेजमेंट के साथ जाके निगोशिएशंस जो हैं वो करते हैं। तो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा यूज़र हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया उन्होंने टैक्स लगाने हैं, उन्होंने देखना है कि जी टैक्स की कैलकुलेशन सही की गई है गलत की गई है, तो उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी चाहिए। लोन देने वाले ने जो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, लोन देने वाला जिसे हम लोन प्रोवाइडर कह रहे हैं, उसको इस वजह से इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखना चाह रहा है, आपकी वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना चाह रहा है कि आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है। लिहाजा उसे भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। सिमिलरली ये जो क्रेडिटर हैं जिन्हें हमने कहा कि जी ये वो लोग हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं, इन्हें इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि ये भी हमारी क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहते हैं,
कि यार ये कंपनी जिस जो हमसे उधार मांग रही है इनकी तरह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मंगा के तो देखें कि क्या ये लोग हमारा उधार पे कर सकेंगे, क्या इनके अंदर इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि ये हमें पेमेंट कर दें, लिहाजा दे आर आल्सो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड देन एट द एंड कस्टमर, कस्टमर आजकल बहुत चूजी हो चुका हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो फाइनेंशियल डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं, ठीक है। अभी तो खैर हमारे मुल्क में माशी हालात जो हैं बहुत तबाही की तरफ चले गए हैं, कोरोना से के अलावा भी। एक टाइम होता था, आई रिमेंबर व्हेन द पीपल केम फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका टू एम टैक्स लिमिटेड हेयर इन फैसलाबाद इन देयर हेड ऑफिस इन खुर्रमवाला, एंड दे यूज टू वेट फॉर द मिस्टर खुर्रम इफ्तिखार फॉर आवर्स एंड आवर्स टू मीट हिम, इतना ज़्यादा उस वक्त काम होता था। और वो ये देखना चाह रहे होते थे कि जी वो आके हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देखते थे, लाइक जेसी पेनी, वेलमार्ट और कैरफोर जैसे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो जब अपनी प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो आके इधर ऑर्डर देते हैं, तो वो डेफिनेटली देखते हैं हमारे फाइनेंशियल उठा के देखते हैं कि यार वो लोग इस तरह ऑर्डर नहीं करते कि वो आए हैं और 15 दिन महीने का ऑर्डर करके चले गए। वो जेसी पेनी वॉलमार्ट ने ऑर्डर करने हैं 1 साल के 2 साल के, तो उनकी पूरी टीम आती है, हमारी प्रोडक्ट देखती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखती है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर जो स्टैंडर्ड का कंप्लायंस है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, और वो देखते हैं कि जी क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इतना बड़ा सेटअप ले के वो आते हैं, तो फिर वो 2-2 साल के 3-3 साल के ऑर्डर्स प्लेस करके जाया करते थे। तो दे यूज़ टू आस्क फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी कि जी बताएं आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, आपकी टोटल सेल कितनी है, आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, आप में कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज तो नहीं कंपनी फेस कर रही, क्योंकि उन्होंने आपको 2-3 साल का ऑर्डर देना है। लिहाजा अल्टीमेटली ये जो कस्टमर हैं ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत बड़े यूज़र हैं, ठीक है जी। तो मैंने अभी आपको क्या क्लियर किया कि स्टेक होल्डर्स या यूज़र ऑफ़ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कौन होते हैं, दे कैन बी इंटरनल, दे कैन बी एक्सटर्नल। एंड वाई दे आर कॉल्ड यूज़र और स्टेक होल्डर्स, द स्टेक होल्डर, दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर बिकॉज दे हैव सम इंटरेक्शन विद द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। And user of the financial information, they are called for the reason that they need to use the financial information provided by the business for their various purposes, for their various decision issues. Okay, next चलते हैं जी हम इसके बाद। अब हम आ जाते हैं जी कि business हम किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो business जो है और रेगुलर एक्टिविटी बीइंग कंडक्टेड टू अर्न प्रॉफिट, ये बहुत सिंपल सी एक हमने स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है कि बिजनेस उन तमाम एक्टिविटीज़ के मजमूए को कहते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोफेशन हो, वो सारे के सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है। लाइक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा मकसद प्रॉफिट अर्न करना है। मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा मकसद प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये मेरे प्रोफेशन तो हैं लेकिन ये एट द सेम टाइम बिजनेसेस भी हैं, ठीक है। इसी तरह कोई ट्रेड है, कोई लेन देन है जिसके अंदर प्रॉफिट अर्निंग का इंटेंशन है, वो इस सोच के साथ किया जाता है कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट हो या ना हो ये अलहदा बात है, ये नहीं समझ लेना कि जी वो काम जिसमें प्रॉफिट होगा वही बिजनेस है, ऐसा नहीं है। मतलब वो प्रॉफिट की इंटेंशन से किया जाता है, प्रॉफिट होना या ना होना एक सेपरेट इशू है, ठीक है। लिहाजा हर वो काम जिसकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होगा वो बिजनेस कहलाएगा। एंड माइंड इट, ये वो तमाम के तमाम ये वो लीगल काम होंगे। मतलब 4-5 दोस्त मिलके किसी जगह कोई रॉबरी का प्लान भी बना सकते हैं और उनका काम ही है, बट दैट इज नॉट बिजनेस बिकॉज दैट इज इलीगल एक्टिविटी। तो वो फिर डेफिनेशन हम थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं कि एनी लीगल एक्टिविटी
which is started with an intention to earn profit is called business. Okay. अब हम आ जाते हैं जी kinds of business के ऊपर, ठीक है? Business को हम दो तरह से इसको segregate कर सकते हैं. Number one, by nature, and number two, by its legal form. By nature से मुराद ये है, यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि business की division जो है, वो division हम दो तरह से discuss कर सकते हैं. First division can be made by its nature, and the second type of division can be made by its legal form. तो जो division by nature है, वो आगे further तीन हिस्सों में हम उसे divide कर सकते हैं. ये देखें, यहाँ पर हमने mention किया हुआ है. The first one is called this is trade, and then manufacturing, and then services. Okay. तो ये जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब किसी भी चीज़ को बना बनाया ख़रीदा जाए और बना बनाया ही बेच दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड. ठीक है? लाइक एक दुकानदार है आपके कॉलोनी में, मोहल्ले में, जो रिटेल स्टोर है वो क्या है, वो एक ट्रेडर है. वो बाज़ार जाता है, सामान लाता है और ला के वही सामान आगे बेच देता है. वो उस सामान के अंदर कोई ऐड नहीं करता, कोई उसमें से डिलीशन नहीं करता, कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती मैन्युफैक्चरिंग जिसमें इन्वॉल्व हो. दूसरी जो टाइप है अकॉर्डिंग टू नेचर, वो है मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है? लाइक एक जो फर्नीचर का शोरूम है, वो लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरर हैं. एक कंपनी जो है वो लाइक दे आर मैन्युफैक्चरिंग यान, धागा बना रहे हैं कॉटन से, रुई से, वो भी मैन्युफैक्चरर हैं. एक कंपनी यान से कपड़ा बना रही है, वो भी मैन्युफैक्चरर हैं. एक कंपनी जो है वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है, किया मोटर्स, होंडा मोटर्स, टोयोटा, ये सब के सब क्या हैं, दे आर मैन्युफैक्चरर्स. ओके. सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना का प्रोसेस होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. और तीसरी टाइप है सर्विसेज की. सर्विसेज के अंदर जैसे मैंने बताया कि मैं बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ. सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो, देखें बिजनेस जो है ना, वो उसके अंदर दो तरह के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं. ठीक है? एक होते हैं फाइनेंशियल और दूसरे होते हैं इंटेलेक्चुअल. इसके बाद बात करेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट कैसे होता है, वहाँ जाके ये एक्सप्लेन करूँगा. अभी सिर्फ ये बताना है कि इंटेलेक्चुअल रिसोर्स क्या होता है. इंटेलेक्चुअल रिसोर्स किसी की एबिलिटी टू डू समथिंग होता है. लाइक आपका जो हेयर ड्रेसर है, उसे बाल बनाने आते हैं, ये उसका इंटेलेक्चुअल स्किल है उसके पास. मुझे पढ़ाना आता है, ये मेरा एक इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है. ठीक है? एक आलिम जो है, उसे खताब वो करता है किसी मजमे के अंदर, ये उसकी एक इंटेलेक्चुअल स्किल है. ठीक है? ब्यूटिशियन जो है वो उसे पता है कि उसने ब्यूटी वर्क किस तरह करना है, ये उसकी एक इंटेलेक्चुअल स्किल है. एक मसव्वर जो है, उसे तस्वीर बनानी आती है, ये उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल है. गाने वाले को गाना आता है, ये उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल है. तो ये जो सर्विसेज होती हैं, इनके अंदर मेनली जो स्किल्स जो हैं वो बेची जाती हैं. ये यहाँ कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होती. लाइक मेरा काम क्या है, मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करता हूँ लोगों को. अब ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ये मैं किसी डब्बे में बंद नहीं करता. ये मैं, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे फर्नीचर है, जैसे शूज़ हैं, जैसे व्हीकल है, जो कि एक फिज़िकली जिसकी एक हमें उसकी शक्ल नज़र आ रही है. लिहाजा वो ये तमाम बिजनेसेस जो हैं, देज आर कॉल्ड सर्विसेज बिजनेस. ये मेन टाइप्स हैं तीन बिजनेसेस की. इसके अलावा भी रेंट के ऊपर भी चीज़ें दी जाती हैं, वो भी लोगों का बिजनेस है. शॉप्स जो लोग रेंट पे देते हैं, वो भी बिजनेस है. कोई लोग पैसा इंटरेस्ट पे देते हैं, वो भी बिजनेस है. ठीक है? तो
बहरहाल मेजर टाइप ये तीन हैं बिजनेसेस की जो कि जिनकी अकाउंटिंग आगे जाके जिनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम आगे जाके करेंगे। हमारा ये वाला जो सिलेबस है इसके अंदर जो अकाउंटिंग है वो मोस्ट लाइकली ये जो ट्रेडर की अकाउंटिंग है ये सारी की सारी वो हमारी अकाउंटिंग है, और शायद थोड़ा बहुत सर्विसेज का किसी जगह टच आ जाए, ठीक है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरर वाली अकाउंटिंग है ये हम नहीं करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो होता क्या है, जस्ट एज ए थ्रेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकता है कि व्हाट आर काइंड्स ऑफ बिजनेस बाय देयर नेचर, तो यू मस्ट बी एबल टू राइट दीज थ्री टाइप्स। लेकिन जब हम आगे जाके अकाउंटिंग करेंगे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे चैप्टर नंबर 12 जो है तो वो ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर मोस्टली ट्रेडर की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएंगी। जो अकाउंटिंग सिस्टम है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो इन तीनों का एक जैसा ही है, ठीक है, वो उसके अंदर कोई ऐसे नहीं है कि जी ट्रेडर का रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करेंगे, मैन्युफैक्चरर कैसे करेंगे और सर्विस प्रोवाइडर कैसे करेंगे। रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक जैसी है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तो उस वक्त मैन्युफैक्चरर की जो प्रेपरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे मतलब ऑन ए लाइटर नोट, अगर हमने एक लाइक वेडिंग ड्रेस बनाना है तो वो ज़रा और तरह से बने, वो उसकी शक्ल कुछ और है और सिंपल ड्रेस है उसकी शक्ल कुछ और है, लेकिन जो टेक्निक ऑफ स्टिचिंग है या बाकी चीज़ें हैं वो सेम है। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस तीनों में एक जैसी है, लेकिन बहरहाल लेकिन जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरर जो कि F1 के अंदर जाके हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, हम ट्रेडर की अकाउंटिंग ही करेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है यहाँ मैंने हेडिंग दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली है कि जी हमारे जो बिजनेसेस हैं वो उनकी लीगल फॉर्म के अतबार से उसकी कितनी टाइप्स हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल भी इसे हम कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू देयर लीगल फॉर्म भी हम कह सकते हैं कि जी बिजनेस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू देयर लीगल फॉर्म यहाँ पर भी बिजनेस जो हैं उनको तीन ही शक्लों में लीगल फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। देखें हम बिजनेस के बारे में क्यों अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो हमने बिजनेस की करनी है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी टाइप्स होती हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि यार ये जो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसकी ज़रूरत किने किने होती है, स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट हमने, यूजर्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हम अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जाके हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है अगली क्लासों के अंदर हम उसको ले सकेंगे। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि हमारी ये जो बिजनेस की टाइप हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर लीगल फॉर्म वो भी तीन ही हैं, ठीक है, और वो तीन फॉर्म क्या हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। सोल ट्रेडर वो बंदा होगा जो कि एज एन इंडिविजुअल काम करता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता, ठीक है, वो अकेला ही बिजनेस का मालिक होता है और वही सारी डिसीजन मेकिंग करता है। हाँ वो स्टाफ नीचे रख सकता है, लाइक आपके कॉलेज में कैंटीन वाला जो बंदा है वो सोल ट्रेडर है, उसने नीचे एक दो छोटे रखे हुए हैं, लेकिन उसका मालिक जो है वो ओनर जो है वो अकेला ही है। तो जब हम कंट्रोल उसका है, जैसे हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, तो ये जो सोल ट्रेडर है कंट्रोल सारे का सारा उसी का है उसके बिजनेस के अंदर। यानी जब एक इंडिविजुअल बंदा बिजनेस का कंट्रोल संभालेगा बिजनेस करेगा तो वो सोल ट्रेडर बिजनेस कहलाते हैं। द नेक्स्ट वन इज द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस इज द बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल डू द बिजनेस ऑल टुगेदर। अब ये बड़ी वसी टर्म है पार्टनरशिप की, मेरा ख्याल आप लोग ये लॉ के अंदर पढ़ेंगे भी, पार्टनरशिप एक्ट जो है ये कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो पार्टनरशिप
दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बिजनेस का अरेंजमेंट होता है जो कि वो किसी शक्ल में भी कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ किसी शक्ल में, तो उसका मतलब ये होता है कि दो पार्टनर हो सकते हैं, तीन चार पाँच दस हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो पार्टनर जो हैं आपस में किसी भी अरेंजमेंट के तहत मिलके काम कर सकते हैं। अरेंजमेंट से मेरी मुराद ये भी है यहाँ पर कि उनमें ये डिसाइड होता है कि यार एक बंदा पैसे डालेगा और दूसरा बंदा काम करेगा, ज़रूरी नहीं है दोनों पैसे डालें। या ये डिसाइड होता है कि यार दोनों पाँच पाँच लाख रुपया डाल के 50-50 के पार्टनर बन के दोनों काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि एक बंदा कहे जी मैं 40 लाख डालूंगा, एक कहे जी मैं 50-60 लाख डालूंगा, करोड़ पैसे काम करते हैं, एक का हिस्सा 60% है, एक का हिस्सा 40% है। ये भी हो सकता है वो 60 लाख 40 लाख डाल के कहें नहीं प्रॉफिट शेयरिंग 50-50 है, ठीक है। तो ये उनके दरमियान कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है जो कि उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक, जो है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो इस प्रॉफिट को, इस बिजनेस को के प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं, ज़िशान और अहमद साहब जो हैं, हम इस ये जो टिप्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है या टिप्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी है, हम इसके पार्टनर हैं। पार्कर एंडल में हम 10 लोग पार्टनर हैं, ठीक है। आगे फिर डिफरेंट डिवीजन है कि जी फैसलाबाद ऑफिस को कौन देखेगा, लाहौर को कौन देखेगा, इस्लामाबाद ब्ला 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 सब। तो पार्टनरशिप अरेंजमेंट उन लोगों के दरमियान किसी भी तरह से जो है वो उनके दरमियान लीगल तौर पर किसी बिजनेस को करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन तय करके वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो बिजनेस के सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेसेस जो हैं, इन दोनों बिजनेसेस के अंदर जो लायबिलिटी होती है बिजनेसमैन की, सोल ट्रेडर जो है उसके अंदर उस इंडिविजुअल सिंगल ओनर की, और पार्टनरशिप के अंदर उन दो तीन चार पाँच दस लोगों की, जो भी पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अब ये बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जी कल को बिजनेस के ऊपर कोई अगर वाजिबात हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज़ हैं, तो वो बिजनेस ने तो पे करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बिजनेस में नुकसान हो जाता है या किसी और वजह से बिजनेस वो लायबिलिटीज़ पे नहीं कर पाता, तो जो ओनर हैं वो पर्सनली भी लायबल हैं उसको पे करने के। मसलन मैंने और आपने मिलके एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, या मैंने अकेले ने बिजनेस शुरू किया, क्योंकि मैंने बताया कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों के अंदर लायबिलिटी जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। दोनों के अंदर लायबिलिटी जो है वो क्या है जी, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। मेरी लिखाई प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसे ही है, और कुछ ये जो इंटरैक्टिव बोर्ड है इसने भी इसमें अपना भी रोल प्ले कर दिया है। तो खैर इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जैसे जैसे आगे चलेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ताला एक टिक भी लगाया करूँगा यूं करके, तो आपको पता चल जाया करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये मेरी और आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी दो चार क्लासेस के अंदर, ओके। तो ये जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस हैं, इनके अंदर जो बिजनेसमैन हैं, सोल ट्रेडर में जो सोल ट्रेडर है यानी इंडिविजुअल है, और पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं जितने भी वो हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मीनिंग देयर बाय कि कल को बिजनेस की लायबिलिटी अगर बिजनेस पे नहीं कर पा सकता, कर पाएगा, तो भाई वो जाती तौर पर भी उन लायबिलिटीज को पे करने के लिए लायबल है। अब ये
ये क्या माजरा है। ज़ाती तौर से मुराद ये है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अज्यूम करें कि मैं और आप मिलकर एक बिज़नेस करते हैं, या मैं अकेला ही एक बिज़नेस करता हूँ सोल ट्रेडर के तौर पर, या आपके साथ मिल के पार्टनरशिप के तौर पर। उस बिज़नेस में नुकसान होता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मैंने लोगों से उधार भी लिए हुए हैं, बैंक से लोन भी लिए हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 4-5 ईयर्स हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं, मैं भी और आप भी, कह यार ये बिज़नेस हमारे बस का नहीं है अब। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमने लोगों का बहुत सारा पैसा देना है जिनसे उधार लिया हुआ, बैंक्स के लोन देने हैं जिनसे लोन लिया। अब क्या होगा कि बिजनेस के तमाम एसेट्स बेचे जाएंगे, बिजनेस के पास जो कुछ होगा। इसका एक लीगल वे भी है। लीगल वे क्या है, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में मैं और आप केस फाइल कर दें कि साहब हम बिजनेस हमने शुरू किया था, ये पूरी स्टोरी है, और आज हमारे हाथ खड़े हैं, हम बिजनेस को नहीं चला सकते, हमसे पहले भी नुकसान हुआ है, और अभी जो कुछ हमारे पास बचा हुआ है बिज़नेस के अंदर, अगर अभी हम बिज़नेस से नहीं रुकेंगे तो हमारा मज़ीद नुकसान हो जाएगा और ये सारा कुछ भी ज़ाया हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कोर्ट से कि वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके हमसे ये बिज़नेस ले ले, और इससे जो कुछ मिलता है वो ले के लोगों को दे दे, अगर कुछ बच जाएगा तो हमें दे दे, अगर नहीं बचेगा तो वो लॉस भी हम बियर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर गए हम और हमने डिफ़ॉल्ट फाइल कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ये एक लीगल वे है डिफ़ॉल्ट करने का, बजाय ये कि हम छुपते फिरें, लोगों से झूठ बोलें, हम कोर्ट में जाके, मेरे पास एक लीगल वे है। लेकिन ये जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, इनके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट फाइल करूँगा तो कोर्ट कहेगी भाई ओके, आपका बिजनेस के सारे एसेट हम बेच के लोगों को पे करते हैं, तो आप फारग नहीं हैं, आपकी लायबिलिटी इन दोनों काइंड ऑफ बिजनेसेस के अंदर अनलिमिटेड है, लिहाजा आपकी हर प्रॉपर्टी जो है वो लायबल टू पे बिजनेस लायबिलिटी है। सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, जज साहब कहेंगे कि भाई तुम्हारा वो जो 10 कनाल का बंगला है वो भी बेचेंगे, तुम्हारे पास जो 10 गाड़ियां खड़ी हैं वो भी बेचेंगे। ठीक है, लीगली तौर पर किस चीज़ की इजाजत है, आपके पास जो घर है वो भी बिकेगा, तब उसमें तो मैं रहता हूँ वो भी बिकेगा। आपने मे बी कभी किसी मूवी में देखा हो कि वो जो कोर्ट के ऑर्डर आते हैं और वो कहते हैं ये घर खाली करो, ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, कुछ इस तरह का सीन होता है, अल्लाह माफ़ करे। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके वेयरिंग एप्रल्स और जो यूटेंसल्स होते हैं ज़रूरत के बर्तन चर्तन, वो आप कानूनी तौर पर वहाँ से ले जा सकते हैं, अदरवाइज बाकी हर चीज़ कोर्ट से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मीन आपकी ज़ात को छोड़ के, अब ये सारा कुछ लेने के बाद तो फिर तो मेरी जान ही रह जाएगी ना, उससे किसी को पैसे तो नहीं मिल जाने, लिहाजा इस वजह से हम कहते हैं इन दोनों बिजनेसेस के अंदर लायबिलिटी जो है वो बिजनेसमैन की अनलिमिटेड होती है। तीसरी जो टाइप है वो लिमिटेड कंपनी है। इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके साथ लिमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस सेटअप होगा जिसके अंदर जो बिजनेसमैन हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। मतलब क्या है कि कल को बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो बिजनेसमैन जाती तौर पर वो लॉस बियर करने का लायबल नहीं है। आप में से कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार ये क्या चक्कर है, लोगों का नुकसान करें और उसके बाद आप कहें जी आप जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है भाई, लिमिटेड लायबिलिटी सेटअप का मतलब ही ये होता है कि जो मेरे साथ बिजनेस करने लगा है वो ये सोच समझ कर करे कि भाई मेरे जो पैसे बिजनेस में लगे हुए हैं वही लायबल हैं तुम लोगों की लायबिलिटीज पे करने के, कल को कोई नुकसान होता है मेरे जाती असासा जात जो हैं, जाती एसेट जो हैं, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, तब वक्त के किसी स्पेशल टर्म एंड कंडीशन के अंदर किसी लोन की सिक्योरिटी वगैरह के लिए आपने वो प्लेजेस वगैरह जो है वो ना करवाया। अब ये जो लिमिटेड कंपनी है इसकी आगे बहुत सारी शक्लें हैं। ठीक है, आज हम यहाँ तक रहेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम ये लिमिटेड लायबिलिटी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे,
और क्लियर करेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी किस किस तरह से हो सकती है। ठीक है, अभी दो काम करने हैं। एक तो आपके आपने टेक्स्ट बुक जो है चैप्टर नंबर 1 मैंने शुरू किया है, ये स्लाइड तो अपनी जगह है, टाइम टू टाइम जहाँ ज़रूरत होगी ये मैं इंक्लूड कर दिया करूँगा। ठीक है, आपने बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 इसके ऊपर उसने ये जितना कुछ आज हमने पढ़ा है सिवाय ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है इसके अलावा ये जो पहले 5 पेज हैं पांचवें पेज के ऊपर इन तीनों का कंपैरिजन है वो आज नहीं आप पढ़ेंगे। आपने पहले 2 पेजेस सिर्फ पढ़ के आने हैं, यानी पेज नंबर 2 पेज नंबर 1 तो टाइटल पेज है, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 इसको आपने 100% रीड आउट करके आना है। आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, तो लिहाजा वो सारे के सारे इन्हीं लाइनों में से उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। मैं एक रिक्वेस्ट किया करता हूं हमेशा, वो ये होती है कि देखें आप माशाल्लाह में से बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, अल्लाह करे सारे ही कर जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। ठीक है, आप जिस मुकाम पे भी बैठे होंगे मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि आपको ज़िंदगी में पहली दफ़ा अकाउंटिंग की अलफ बे मैंने सिखाई हुई है। और अकाउंटिंग की अलफ बे सीखने के लिए, अकाउंटिंग की ABC सीखने के लिए इस थ्योरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन मुमकिन है इन लाइंस को जब आप पढ़ेंगे तो मेरी एक्सप्लेनेशन आपकी ये किताब उसको वेट कर रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं कुछ चीज़ छोड़ जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने अभी आपसे शेयर किया इस 50-55 मिनट के लेक्चर के अंदर, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ यार ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं और अब ये मेरे नॉलेज का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि आपने दोबारा इन पेजेस को नहीं पढ़ना। आप पास हो गए तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। FR1 में जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट वीक होगा, हो सकता है कोई बच्चे पास हो जाएं इस वीक कॉन्सेप्ट के साथ भी, आप FR1 में जाएंगे तो जाके इस बेसिक कॉन्सेप्ट की जहां वीकनेस होगी वो पूछने की कोशिश करेंगे तो आपको शर्म आएगी कि यार ये बेसिक सी बात है मैं पूछ रहा हूं, आप नहीं पूछेंगे। और खुदा ना खास्ता फेल भी हो गए तब भी आपने यहां से नहीं शुरू करना। आपने कहना यार ये तो सारी डेबिट क्रेडिट ये ABC है, आपने क्वेश्चन पास्ट पेपर ये चीज़ें शुरू करनी है। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग द बेसिक्स और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको ये चीज़ें लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके एक बेसिक नॉलेज क्रिएट होगा। इंशाल्लाह कल हम लोग इस ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हैं ये कितनी तरह की होती हैं और उनके अंदर बिजनेस अरेंजमेंट जो ओनर्स हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, कल हम इसके ऊपर बात करके चलेंगे। आपने पेज नंबर 2 और 3 रीड आउट करके आना है, कल जब हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पढ़ लेंगे तो फिर आगे चीज़ें कुछ आगे भी फिर इंशाल्लाह चलेंगी। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, हम कोशिश वन बाय वन क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको आंसर करते जाएंगे वन बाय वन देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन बात कर रहे हैं भाई, अबू बकर हैं? जी अबू बकर। जी भाई बताएं। सर पहले तो आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि वो मैं ना एक आईडी 2 जगह यूज कर रहा था, एक अपने लैपटॉप पर और दूसरा अपने फोन पर। ठीक है, कोई दूसरा बंदा मेरी आईडी यूज नहीं कर रहा था तो मुझे फोन से कर दिया गया ब्लॉक सर। तो लैपटॉप मेरे स्पीकर खराब है तो उसमें आवाज नहीं आती, तो आपका लेक्चर मैंने बहुत मुश्किल से सुना आज। ठीक है तो भाई तो सर दूसरी आप इसको सही करवाओ क्योंकि ये एक ऐसा ये कैसी लिमिटेशन है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी सर, वो मैं सही करवा लूंगा। हाँ। दूसरी बात आपसे ये पूछनी थी कि जो हमने मैंने इससे पहले बीकॉम किया हुआ है और जो मैंने बीकॉम या आईकॉम में अकाउंटिंग पढ़ी है ये तकरीबन उससे मिलती जुलती होगी या भाई डिफरेंट? आप समझ लें, आप बीकॉम वाले भाई आप ये समझ लें कि आपने कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। ठीक है तब आपकी आप ये वाली अकाउंटिंग पढ़ सकेंगे। ठीक है, यानी सर के बिल्कुल डिफरेंट है उससे? बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अगर उन ये समझ के पढ़ेंगे कि आपने पढ़ी हुई है तो आपको ये आप समझ लें उससे बिल्कुल डिफरेंट है, सिंपल इज दिस। ठीक है जी सर, थैंक यू। हाँ जी कासिम सर्वर
करो जी। जी कासिम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था कि एम्प्लॉयज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस हद तक यूज कर सकते हैं, मतलब? देखें, ये डिपेंड करता है उनकी नीड के ऊपर। मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक सिंपल बात बताई है, क्योंकि अभी हमने यही डिस्कस नहीं किया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते किसे हैं, ठीक है ना? तो अभी तो यही डिस्कस किया कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो ये वो चीज़ें होंगी जो अभी हमने डिस्कस नहीं की। आप यूँ समझ लें कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट होगी, लीगली तौर पर वो इंफॉर्मेशन को जितना यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी, फायजा गफ्फार, करो जी अनम्यूट। जी फायजा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर की पार्टनरशिप में लायबिलिटी जाएगी, शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए? नहीं, ये एक अलग इशू है। मैंने आपको ये बताया कि पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑब्वियसली जो उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होगा कि कल को डिफॉल्ट करते हैं तो हम लायबिलिटीज इस तरह शेयर करेंगे, ये उसी तरह से होंगी। ये उनकी जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। मैंने बताया कि उनकी शेयर होल्डिंग डिफरेंट हो सकती है, कैपिटल इंट्रोडक्शन डिफरेंट हो सकती है, जो पैसे उन्होंने बिजनेस में डाले हुए हैं। इसी तरह जब बिजनेस वाइंड अप हो तो उनकी जो लायबिलिटीज की पेमेंट का कोई फार्मूला उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ हो सकता है। तो आमतौर पर ये, जैसे आप कह रही हैं, ये उनकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग में होता है, लेकिन ये उससे हटके भी हो सकता है। ऑल राइट सर, थैंक यू। जी वासिक। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो मैंने क्वेश्चन करना था कि क्रेडिटर्स के बारे में, सर आप दोबारा जरा बता दें। बेटा क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं, उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है। और सर ये लाइक हम किसी से जाके कोई चीज, मोहल्ले का दुकानदार है, हम उससे उधार ले आते हैं तो हम उसके क्रेडिटर हैं। ठीक है, मतलब हमने हम उसके डेटर हैं, वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको पैसे देने हैं, जिससे उधार खरीदा जाएगा उसे क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है। और सर ये भी था क्वेश्चन, सर ये था कि सर ये लिमिटेड का, लिमिटेड कंपनी सारा इसके अंदर, मतलब आपने ये बताया ना कि अब जो भी हम, जो हमारे साथ बिजनेस कर रहा होगा, हम कहेंगे वो अपने जिम्मे के ऊपर मतलब बिजनेस करे, इसके ऊपर कल हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। आप यूं समझ लें, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस कर रहा है वो ये देख के करे कि वो कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, पीछे बंदा कितना स्ट्रांग है, उसके पास अपना जाती कारो, अपना बंगले हैं, गाड़ियां हैं, वो कल को उसकी लायबिलिटी पे नहीं करेंगी। बिजनेस किस तरह का है, उसके अंदर क्या रिसोर्सेज हैं, तो ये देख कर कोई बंदा बिजनेस करे। आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि आप ये देख के बिजनेस करें कि भाई यही बिजनेस है, यही सारा कुछ है, पीछे इनके पास जाती तौर पर घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी बड़ी है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, वो इसके अंदर शामिल नहीं ना होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक हो, थैंक यू। जी जी अहमद, अहमद शाह जी। अहमद सर ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप सेम नहीं? ये जाहिर है सेम नहीं है, तो मैंने दो अलग अलग इसके हेडिंग लिखे हुए हैं। सर इसमें अनलिमिटेड वाला पोर्शन सेम है? जी अनलिमिटेड वाला पोर्शन सेम है, लायबिलिटी की हद तक ये सेम है दोनों में। लायबिलिटी मैंने बताया दोनों में अनलिमिटेड होती है। ठीक है जी सर, थैंक यू। जी फरजान। जी फरजान सर, मैंने पूछना था सर, जब एक बिजनेस डिफॉल्ट हो जाता है, एक सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, जी भाई, तो सर उनकी प्रॉपर्टीज जो है गवर्नमेंट ले लेती है, जो भी होता है। जी जी। तो सर अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास गोल्ड पड़ा, जी वो भी ले, सर उस, वो भी ले लेंगे सर, उसका किस तरह पता है कि लाइक? देखें एक्चुअली ये कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है जिसके तहत बकायदा कोर्ट के लोग जाके घर को सर्च करते हैं और कोई भी जो वैल्यूएबल है वो वहां से वो लोग भाग के सरकार जब्त कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, और फिर वो बेच के लोगों में उनके पैसे दिए जाते हैं जितने हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ओके जी समीउल्लाह जी। मैंने अकॉर्डिंग टू बोल है, इनमें भी इनमें ये डिस्कशन नहीं होगी अनलिमिटेड और अनलिमिटेड की? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक तो अपना माइक सही करवाएं, दूसरा जरा रिपीट करें क्वेश्चन समीउल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि जो
आपने पहले बिजनेस की क्लाइंट में डिस्कस किया है कि बाय नेचर है काइंड ऑफ एक है बाय कंट्रोल लिमिटेड के साथ और अनलिमिटेड के साथ ठीक है सर जो ट्रेड एंड सर्विसेज आपने कहा ज्यादा डिस्कस होनी है इनमें हमें पार्टनरशिप के साथ करते हैं या सोल ट्रेड ये जो बिजनेस है ना चाहे ट्रेड करनी हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग करनी हो चाहे सर्विस की प्रोविजन करनी हो सर्विसेज का बिजनेस करना हो वो सोल ट्रेडर भी हो सकता है वो पार्टनरशिप भी हो सकती है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है हाँ गवर्नमेंट बाज़ अकात कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देती है तो उन रिस्ट्रिक्शन के अंदर पर्टिकुलर बिजनेस पर्टिकुलर लीगल सेटअप के अंदर ही किए जा सकते हैं लाइक पाकिस्तान के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि जी हज उमरा का जो बिजनेस है जो हज उमरा सर्विस प्रोवाइडर हैं वो लाजमी है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेटअप में काम करेंगे फिर वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते इसी तरह लॉ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी जो है वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में काम करेगी वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं हो सकती तो कोई भी बिजनेस की जो टाइप है सोल ट्रेडर पार्टनरशिप लिमिटेड वो ट्रेडर भी हो सकती मैन्युफैक्चरिंग भी सर्विसेज भी तब वक्ते के उसके ऊपर कोई लीगल लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ना लगाई जाए जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं ये अच्छा क्वेश्चन था आपका कि हम हर बिजनेस जो है वो इनमें से ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इनमें से किसी भी लीगल सेटअप में कर सकते हैं मास वाय उस वक्त जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई ठीक है जी जी एनीबॉडी एल्स जी ओके जी थैंक यू वेरी मच मेरा ख्याल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अब आप लोगों ने मैं घर जाके ये जो पेज नंबर 2 और 3 इसको स्टडी करना है कुछ जो चीज़ें मैंने समझाई हैं इनको ओवरव्यू करके आइएगा और इंशाल्लाह ताला आप अपना काम करते रहेंगे मैं अपना काम करता रहूँगा तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ हमारी मदद करेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू